हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद था लोगों तक आईटी की शिक्षा देना, यानी जो भी आईटी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, आईटी से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है उससे रिलेटेड सभी चीज़ को बच्चों को बताना और समझाना, ताकि सब लोग इस फील्ड में माहिर हो सके। ठीक है दोस्तों, एंड साथ ही साथ हम चाहते हैं कि अपनी सारी चीज़ों को इस पर शेयर करें। जैसे लाइक एग्जाम्पल दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस फील्ड में काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, एंड आज के वीडियो में हम एक करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, जो कि मेरे को लगा कि करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने स्टार्टअप किया है इस चीज़ का, हो सकता है आप में से कोई स्टार्टअप करना चाहता हो और हमारी ये वीडियो देख के उसको इंस्पायरेशन मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज की जो अनबॉक्सिंग हमारी, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, वो है एक माइक किट की। जैसे एक्चुअली दोस्तों क्या था, पहले मैं बोया का माइक यूज़ करता था वीडियो रिकॉर्डिंग के मोड के लिए। अब दोस्तों क्या है कि मैंने एक किट परचेज किया है जो कि एक फिक्स सेटअप के साथ चलता है, माइक किट एडजस्टेबल स्टैंड के साथ है वो, और मैं उसको यहां, ये देखिए मेरा ऑफिस है, एंड मैं उसको यहां पे इस टेबल पे सेटअप करना चाहता हूं, ताकि जो हम वीडियो यहां से ऐसे बनाते हैं दोस्तों, ताकि मेरे को बार-बार आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे को थोड़ा सेटअप इधर-उधर ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक चाहता हूं कि फिक्स यहां पे रखूं। और जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जो बच्चों को मैं प्रैक्टिकल थ्योरी जो पढ़ाता हूं, तो थ्योरी तो एटलीस्ट पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इस माइक का यूज कर लेता हूं, बट प्रैक्टिकल में दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकल करवाते समय थोड़ा बीच में 2-3 मिनट का गैप लेना पड़ जाता है, तो फिर माइक को इधर उधर सेटअप कीजिए, इसलिए मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया हूं। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आज की जो हमारी अनबॉक्सिंग है वो माइक किट एडजस्टेबल स्टैंड के साथ है, जो कि मेरे को ऑफर प्राइस में मिला है और मैंने परचेज किया था। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, एक्चुअली मैं पहले बोया माइक से बनाता था जो कि काफ़ी अच्छा था, बोया M1, और दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा अब उसको अपग्रेड किया जाए, इसके लिए मैंने इस सेटअप को मंगवाया है। और चलिए आपके सामने इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज है और इसका माइक का क्वालिटी क्या है, इसका साउंड क्वालिटी क्या है, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट और करते हैं अपने अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैकेजिंग को ओपन करने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए किधर, किसी भी साइड से कर देते, इस साइड से हम ले लेते हैं। ओके, हाँ, उसके बाद हम इसके काफी तगड़ा टेपिंग किया हुआ। ओके दोस्तों, एंड इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर की मेन बॉक्सिंग को हम लोग निकालते हैं एंड इसको रखते हैं साइड में। और ये देखिए इसका पैकेजिंग काफ़ी गुड कंडीशन में लग रहा है दोस्तों, एंड यहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रेचेस टाइप के हैं, बट आई होप कि अंदर कुछ डैमेज ना हो। एंड इसका मॉडल नंबर दोस्तों आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है बेस्टर कंपनी का, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल में आता है। ठीक है दोस्तों, एंड इसका मॉडल नंबर है BST M01, आप लोग देख लीजिएगा इसका मॉडल नंबर BST M01। और कुछ ऐसा ही सेटअप के साथ मैंने भी देखा है दोस्तों जब मैं इसको परचेज कर रहा था, एंड फाइनली देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए एक्साइटमेंट को अब थोड़ा ख़त्म करते हैं और बॉक्स को करते हैं ओपन, एंड ये रहा ओपनिंग, एंड ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ। वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, अनबॉक्सिंग के टाइम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में एंट्री किया हूं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये शायद उसका ऊपर का कवर है जो माइक का होता है, फ़िल्टर के यूज़ में आता है दोस्तों, फ़िल्टर के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसको रखते हैं साइड में, एंड मैं बॉक्स को थोड़ा इस तरफ टर्न कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके सारे एक्सेसरीज। एंड ये दोस्तों हो गया उसके ऊपर का, जो माइक के ऊपर फ़िल्टर यूज होता है, ये उसका हो गया, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है। एंड दोस्तों इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा है, नो इशू। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अनबॉक्सिंग करते समय। एंड ये शायद टेबल माउंट है दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि अनबॉक्सिंग के बाद मैं इसका माउंटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको माउंटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसको स्क्रू के जरिए नीचे ला के, एंड दोस्तों आप अपने टेबल पे इसको ऐसे, जैसे सपोज डेट ये आपका टेबल है दोस्तों, तो आप इसको यहाँ पे माउंट करके और यहाँ से वो आपका जो फ्रेमिंग है ऊपर जाएगा। ओके, तो इसको भी रखते हैं साइड में। एंड ये क्या है दोस्तों, अच्छा ये माइक का सिस्टम है दोस्तों, आप इसमें माइक भी लगा सकते हैं, ये एड ऑन फीचर्स दे दिया है इसमें, बहुत अच्छी बात है। ओके, एंड ये क्या है दोस्तों, ओके अच्छा दोस्तों, ये है आपका माइक होल्डर, जो आपका माइक होगा वो इसमें होल्ड होगा, इस तरह से होल्ड होगा। ठीक है,
ओके। और ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे सामने आ चुका है और इसकी क्वालिटी मतलब हाथ में लेने से ही पता चल रहा है कि इसका क्वालिटी कितना बढ़िया है। ओके दोस्तों, एंड मेरे को यहाँ से आपको भी दिख रहा होगा, अंदर में एक माइक दिख रहा है दोस्तों, अंदर में देख सकते हैं, वही मेन माइक है मेरा और यही वॉइस को कैप्चर करता है। और इसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। और लगभग इसका वेट 200 से 250 ग्राम होगा दोस्तों, ठीक है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। और ये जो मैंने अभी बताया था, इसके ऊपर ऐसे होल्ड होता है दोस्तों, देखने में अट्रैक्टिव लगता है और ये फिल्टर का भी काम करता है। ओके, एंड दोस्तों इसको रखते हैं साइड में। एंड और क्या बच गया मेरे पास, ये इसका शायद कोड है दोस्तों, वो कोड है। और इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ मेरे को लगा ना दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जो हम लोग माइक यूज़ करते हैं डेकोरेशन वाले माइक में, जो माइक यूज़ करते हैं, जैसे शादी विवाह में आपने देखा होगा, सेम वही पिन यहाँ पे दिया गया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इन केस ये कोड ख़राब भी हो जाता है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एंड अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, आपको अर्जेंट में चाहिए, तो किसी भी शॉप में जहाँ पे डिवाइसेस बनाए जाते हैं, डीवीडी, ये सब सीडी, टीवी जो बनाए जाते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, वो ये कोड भी बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और ये कोड भी काफ़ी लंबा है, एंड इसका बिल्ड क्वालिटी जो है दोस्तों, बहुत ही काफ़ी यूनिक है अदर के अकॉर्डिंग, और बहुत अच्छा है। और इसको शायद ऐसे एडजस्ट करेंगे दोस्तों, मे बी, हाँ ये देखिए दोस्तों, होल्ड हो चुका है। एंड इसका साउंड क्वालिटी भी मैं चेक करके आपको बताने वाला हूँ कैसा है, फिलहाल के लिए देखते हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। और ये रहा फाइनली दोस्तों हमारा स्टैंड, और इसी की वजह से ये सारा लुक बढ़ जाता है, यही है फाइनल स्टैंड। एंड इसका थोड़ा क्वालिटी देखते हैं दोस्तों, क्वालिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक ठाक है। एंड इसको मैं टर्न करके देखने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा है, ठीक है। एंड इसका जो ये पेंटिंग देख रहे हैं दोस्तों, अच्छा है, ग्लॉसरी लुकिंग दे रहा है हल्का हल्का। एंड स्प्रिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इधर भी स्प्रिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक है दोस्तों। चलिए अब ये तो हम अनबॉक्सिंग कर लिए दोस्तों, अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इसका माइक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, कि आखिरकार इसका आवाज़ है तो कैसा है। ओके, तो चलिए हम अब इसकी आवाज़ को टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली आपको दिखाएंगे कि इसको माउंट कैसे करते हैं टेबल पे। ओके दोस्तों, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। तो दोस्तों अभी आपको जो आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है वो इसी माइक की है जिसका मैंने अभी अनबॉक्सिंग किया, एंड आप आवाज़ सुन के पता लगा सकते हैं कि इसका बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा है और क्या है। एक्चुअली मैं तो अभी आपको दिखाने से पहले एक बार खुद ट्राई किया हूँ, मेरे को बहुत बेस्ट लगा। एंड इसका जो प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो ये मेरे को 1600 something rupees में पड़ा है, मतलब अंडर 1700 के अंदर पड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो 2000 अब आपको मिलते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और अनबॉक्सिंग में आ गया, मैं आपको दिखा चुका हूं, अब करता हूं इसका सेटअप, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और देखिए पूरे सेटअप को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहां मेरा वो लोकेशन है जहां पे मैं इसको फिक्स करने वाला हूं, एंड आपको पहले बता दूं, ये है आपका माउंट क्लैंप, ये देखिए दोस्तों, ये माउंट क्लैंप है, ये टेबल पे ऐसे लगता है। इसको पहले मैं पूरी तरह से ऊपर कर लिया, एंड दोस्तों यहाँ पे मेरा ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, बट कोई इशू नहीं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना, इससे क्या होता है ना कि आपके टेबल पे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। ओके, तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड एडजस्ट करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये देखिए हो गया दोस्तों, अब फटाफट मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा टाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ये फिक्स हो जाए। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये इतना टाइट हो गया, ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ग्लास है, आपको पता है वो टूट सकता है। हो गया दोस्तों, अब आती है बारी इसमें स्टैंड को माउंट करने की, जो फाइनली मेरा स्टैंड है उसको माउंट करने की बारी आती है। तो ये मेरा स्टैंड यहाँ पे है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का माउंटिंग निकला हुआ है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू सिस्टम वाला है, ठीक है, मतलब इसमें मेरा माइक जाएगा, माइक का जो होल्डर है वो जाएगा दोस्तों, और ये जाएगा इसमें। तो नॉर्मली हम इसको यहाँ पे ऐसे पुट करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू है दोस्तों, इसको थोड़ा ढीला कीजिएगा। ओके, ढीला करने के बाद इसको नॉर्मली इसमें कीजिएगा, आराम से चला जाएगा। अब इसको दोस्तों यहाँ से हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे मूवमेंट भी करता है, ठीक है, इसको पूरा फिक्स मत कीजिएगा वरना ये ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इसको नॉर्मल रखिएगा, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, ठीक है, नॉर्मल हम यहां से कर लेते हैं। करने के बाद देखिए एक सेटअप मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब बात ही आती है इसमें माउंट करने की, जो कि मेरा माइक माउंट होगा जिसमें, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका यूज कर
करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू में जाने वाला होल है यहाँ पे। अब नॉर्मली दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको इसमें ला के देख सकते हैं, स्क्रूइंग सिस्टम है और इजिली तरीके से आप इसको माउंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए एक होल्डिंग टाइप का है, मतलब ये मूवमेंट कर रहा है। आप इसको जितना पे फिक्स करना चाहते हैं, सपोज डेट मैं अभी फिलहाल के लिए इसको इतना पे फिक्स करना चाहता हूँ, मैं इसको नॉर्मली लेके यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। ओके, इसको थोड़ा भी टाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं जब इसमें बिल्ड करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्या एडजस्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं इसके वायर को यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि वॉइस टेस्टिंग के लिए मैंने इसको लगाया था, जो कि आप लोगों को मैंने सुनाया। एंड इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है। एंड दोस्तों निकालने के बाद देखिए नॉर्मली क्या करना है, इसको ऊपर से ऐसे करके पुट करके और इसको ईजिली ऐसे होल्ड करके यहाँ पर ऐसे फिट कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। देन उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, ये तो देख रहे हैं फिल्टर, इसको इसमें अप्लाई करना है। नॉर्मल तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए इसका लुक ही चेंज हो जाता है इसको लगने के बाद। एंड दोस्तों आपके पास एक और फिल्टर है यहाँ पे, देख सकते हैं एक और फिल्टर है, ठीक है। एक्चुअली ये भी थोड़ा बहुत काम करता है, बट उतना नहीं करता है। अगर आपका मन है तो इसको लगा सकते हैं गुड लुक के लिए, अन्यथा नहीं भी लगा सकते हैं। अब इसको क्या होता है, देखिए ये वाला जो फ्रेमिंग ऊपर में देख रहे हैं, आप ऊपर से भी इसको डाल सकते हैं दोस्तों और नीचे से भी डाल सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर से डालता हूँ, इसके स्क्रू को थोड़ा मैं ढीला कर लेता हूं। एंड दोस्तों यहां पे रखने के बाद इसको टाइट कर देता हूं, ठीक है, देख सकते हैं मैंने इसको टाइट कर लिया। ओके, टाइट करने के बाद ये एडजस्टेबल है, इसको जैसे चाहे आप कर सकते हैं, ये भी एडजस्टेबल है, इसको जितना ऊपर नीचे आप चाहे कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहां पे आपका सेटिंग हो गया है तैयार। एंड फाइनली दोस्तों इसका जो कोड है, एंड इसको हम नॉर्मल तरीके से इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे इसके पिन को देखते हुए कि इसका पिन कहाँ पे है। और ये देखिए दोस्तों मैंने इसको इसमें पिन अप कर लिया है। अब दोस्तों फाइनली आपका माइक तैयार है, बस नॉर्मल क्या करना है, या तो फ़ोन में यूज़ करना है, या कैमरा में यूज़ करना है, या किसी भी डिवाइस में यूज़ करना है जिसमें 3.5 mm का जैक हो, किसी भी डिवाइस में आप यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा हमारा ये अनबॉक्सिंग। अगर आपको मेरा अनबॉक्सिंग अच्छा लगा, तो अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक या एक नए अनबॉक्सिंग के साथ।